घर में हाथापाई के खिलाफ सजा न मिलने पर खौला एजाज खान का खून। कहा, मुझे तो मेकर्स ने लात मार कर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो बिग बॉस 13 के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब शो के मेकर्स कड़े फैसले लेने में आनाकानी कर रहे हैं। तभी तो बिग बॉस 13 के घर में आए दिन किसी न किसी बात पर हंगामा होता ही रहता है। सदस्यों के बीच हो रही है लड़ाई कई बार तो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बात हाथापाई तक चली जाती है। रश्मि देसाई, शहनाज गिल, सिद्धार्थ शुक्ला, असीम रियाज और पारस छाबड़ा जैसे कंटेस्टेंट कई बार हाथापाई करके नियम तोड़ चुके हैं। उसके बाद भी मेकर्स ने इन सभी के खिलाफ कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया। सजा के तौर पर इन सदस्यों को केवल नॉमिनेट किया गया। वहीं हर हफ्ते सलमान खान भी घर वालों की क्लास लगाकर चले जाते हैं। कुछ देर तो इन लोगों पर सलमान खान की बातों का असर होता है, लेकिन अगले दिन फिर से इनकी वही लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि बिग बॉस के मेकर्स पर एक्शन न लेने पर कई बार फैंस भड़क भी चुके हैं। और इस बीच बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट एजाज खान ने भी बिग बॉस पर निशाना साधा है। घर में हो रही धक्का मुक्की पर एजाज खान ने कहा है कि धक्का मुक्की से शुरू हुआ झगड़ा मार पिटाई तक पहुंच जाता है। मधुरी मातोली ने विशाल आदित्य सिंह को काफी गुस्से में मारा था। इस सीजन में ही जब इतनी मारपीट हो रही थी तो आने वाले सीजन का क्या होगा। एजाज खान ने गुस्सा जताते हुए कहा कि उसमें तो सारी हदें पार हो जाएंगी। मुझे तो घर से मिनटों में बाहर कर दिया गया था क्योंकि मैंने अली को धक्का दिया था। जब मुझको बिग बॉस से बाहर निकाला जा रहा था तो इनको सजा क्यों नहीं मिल रही। गेम में ये गलत हो रहा है। आगे एजाज का मानना है कि अगर मेकर्स इस लड़ाई के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे तो सबको लगेगा कि खेल में काफी बायसनेस है। नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। एजाज की बात सुनकर मानना तो पड़ेगा कि ये वाकई में एक नोटिस करने वाली बात है। नियम सबके लिए बराबर ही होने चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, एजाज खान की इस बात से आप कितने एग्री करते हैं? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।